हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हो कि मेरे पास ये लहंगे हैं और इन लहंगों पर देख सकते हो कि बड़े दाग धब्बे लगे हुए हैं और हम इनको आपको उतारेंगे और आपको बताएंगे कि हम इनके दाग धब्बे कैसे उतार सकते हैं। आप देख सकते हो कि इन पर कैसे कैसे दाग धब्बे लग रहे हैं और हम इन दाग धब्बों को उतारेंगे और आपको दिखाएंगे। आप देखिए, गुलाबी और पीले कलर के स्टेन लगे हुए हैं इन पे सर पे और हम इनको आपको उतारना बताएंगे कि हम कैसे इनको उतार सकते हैं। आप देख सकते हो कि इन सब पर ही बड़े दाग धब्बे लगे हुए हैं और मैं इनको आपको उतार के बताऊंगा कि हम कैसे इनके दाग धब्बे उतार सकते हैं और कैसे हम आसानी से इनको साफ कर सकते हैं। इसके लिए हम देख सकते हो, इसके लिए हम कलर फिक्स और अंडरफूट केमिकल यूज करेंगे, जो हम इसको बोलते हैं, इसको हम कई नामों से बोलते हैं, हम इसका यूज करेंगे और हम इनको आपको इनको उतारना बताएंगे कि हम कैसे इनको उतार सकते हैं, इनके दाग धब्बे दूर कर सकते हैं सभी लहंगों के। सबसे पहले हम इसके दाग धब्बे उतारेंगे। इसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर केमिकल डाल लिया है, दोनों मैंने मिक्स किए हैं इसके अंदर आप, और हम इसको उतारेंगे और हम छोटे ब्रश लेके जहाँ जहाँ इनके लगे हुए हैं वहाँ वहाँ हम इसको उतारेंगे। इनको आप देख सकते हो, हम पूरे को इसको उतारेंगे। हम इसको धीरे धीरे उतारते रहेंगे और इसको आप देख सकते हो, हम पूरे पे इसको देख लेंगे। आप देख सकते हो दाग कितने जिद्दी हैं, ये उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम इस पर 5 मिनट तक इसका यूज करेंगे और इसको हम उतारेंगे। आप देख सकते हो कि ये उतरने साफ हो चुके हैं। हम इसको करते रहेंगे ताकि अच्छी तरह साफ। आप देख सकते हो कि अब बिल्कुल साफ हो चुके हैं, जो स्टोन लगे हुए थे हमने वो रिमूव कर दिए हैं। मैंने इसके अंदर से वाइबो और कलर फिक्स का प्रयोग किया है और हमने इसके अंदर वाटर के अंदर मिला के मैंने ये इसके अंदर प्रयोग किया है, जो हमने इसके ये दाग रिमूव किए हैं। ये कलर के दाग होते हैं, ये ब्याह शादियों में लगते हैं, जो जैसे हल्दी होती है, कुमकुम होते हैं, वो इन पे लग जाते हैं और वो दाग हम बिल्कुल आसानी से हटा सकते हैं। हम कलर फिक्स और हाइबो का प्रयोग करके हम इसके दाग को हटा सकते हैं। हम इसके बाद हम ये ब्लोच पे लगे हुए रेड कलर है, हम ये भी साफ करेंगे। इस पे ये दूसरा लहंगा है, इस लहंगे के ऊपर भी आप देख सकते हो कितना लगे हुए हैं कलर। हम इसकी तो मैं आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाऊंगा ड्राई क्लीन का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कलर लगा हुआ है इस पर, तो मैं इसका तो आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा इसका उतारते हुए का। देख सकते हो कितना कलर लगा हुआ है, ये इनके नेफे होते हैं, इन पर पूरा कलर लगा होता है क्योंकि इसके देख सकते हो
इसको आपको पूरे को ही ड्राई क्लीन अच्छी तरह इसको तो करके दिखानी पड़ेगी आपको, और मैं आपको सभी को करके दिखाऊंगा। ये भी लोज है इनके, इसे भी मैं आपको दिखाऊंगा करके, ताकि ये भी आसानी से साफ हो सके। इन पे भी कलर चढ़ा हुआ होता है, वह तो अधिकतर मैंने वो उस पर थोड़ा ज़्यादा कलर वो था। बाकी तो अब हम इनकी ड्राई क्लीन करेंगे, जब आपको दिखाएंगे कि हम कैसे इनकी ड्राई क्लीन करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले इनके दाग होते हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं, उसके बाद हम ड्राई क्लीनर वाश करते हैं। और मैं इन दोनों लहंगा चुनने की ड्राई क्लीनर वाश करके आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि मैं कैसे इनको करता हूँ। और आपको पता ही है मैं इनको सिर्फ इजी और कलर फिक्स का ही प्रयोग करता हूँ, मैं ज़्यादा केमिकल का यूज नहीं करता हूँ। हाँ, बस जिद्दी दाग तारने के लिए ही मैं केमिकल का यूज करता हूँ, नहीं तो मैं बिना केमिकल के ही हर चीज़ करता हूँ। और आप भी अब बिना केमिकल के अपने घर में इनको कर सकते हो और बिल्कुल साफ रख सकते हो। मैंने आपको बता दिया, आप भी इनको कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। देख सकते हो कि ये पूरे नेट में है लहंगे चुन्नी पूरे, आप देख सकते हो कैसे वर्क है इनका, पूरे वर्क वाले लहंगे चुन्नी ही। और हम इनको करेंगे पूरे वर्क के अंदर ही, मैं आपको इनको सब करके दिखाऊंगा। देख सकते हो इनमें पूरे कांच के शीशे लगे हुए हैं, पूरे में कांच के शीशे लगे हुए हैं। और हम इनको बिल्कुल सावधानी से करेंगे, क्योंकि इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये सास का शीशे होते हैं, खाली गूंद से चिपके हुए होते हैं। आप देख सकते हो कि इनमें आधे से ज़्यादा निकल भी रहे हैं, देख सकते हो जो इनके कांच के शीशे होते हैं, देखो वो निकल भी रहे हैं, तो देखो कितने निकल रहे हैं। और हमें इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये गूंद से चिपके हुए होते हैं और हम जब ड्राई क्लीन करते हैं तो ये तब भी निकल जाते हैं, तो हमें इनका ध्यान से रखना पड़ता है। आप देख सकते हो कि कैसे ये उफड़ रहे हैं, ये देख सकते हो आप कैसे निकल रहे हैं ये कांच के शीशे। ये तो इनसे हाथ कटने का डर भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम जब ड्राई क्लीन करते हैं ये कई बार हमारे हाथों में भी लग जाते हैं, तो हमें विशेष इनका ध्यान रखना पड़ता है और विशेष प्रकार के हमें इनको आराम से इनकी ड्राई क्लीन करनी पड़ेगी, ताकि हम इसको अपने हाथों से भी बचा सकें। और हम इनकी ड्राई क्लीन करेंगे, सिर्फ हम इजी का प्रयोग करेंगे, इजी और कलर सिक्स का प्रयोग करेंगे, ताकि इसका कलर भी ना निकले। और हम इसका प्रयोग करके आपको बताएंगे कि हम कैसे इसका कर सकते हैं। और हम विशेष ध्यान, आप देख सकते हो पूरे लहंगा चुन्नी वर्क के अंदर ही, दोनों लहंगा चुन्नी है। सबसे पहले मैंने इसका जो कलर था, जो इस पर दाग लगे हुए थे, वो मैंने रिमूव कर दिए। अब इसके बाद मैं इनके ड्राई क्लीन करूँगा और आपको करके बताऊँगा कि कैसे मैं इनके ड्राई क्लीन करूँगा बिल्कुल आसान तरीके से। और सिर्फ इनको हमें हर चीज़ इनकी बचानी पड़ती है, ताकि ये ख़राब ना हो। और ये कलर फुल लहंगे चुन्नी है, इस कारण हम करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि मैं कैसे इनको कर सकता हूँ, आप भी, ताकि अपने घर में इनको आसानी से कर सके, बिल्कुल आसानी से कर सके। ये इनकी चुन्नी है दोनों, ये चुन्नी है इनकी, एक ये और एक ये, और हमको दोनों चुन्नी समेत ही पूरे सेट है। ये लांचे के पूरे सेट है, लहंगा चुन्नी लांचे के पूरे सेट है। और हम आपको दिखाएंगे, आपको पूरी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद पार्ट टू में देखना आप इनको। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आपको दिखा दिया,
अब मैं इनके ड्राइविंग करने जा रहा हूँ बस। पूरे वर्क वाले हैं, पूरे वर्क के अंदर है। लहंगा चुन्नी देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।